हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ समोसा चाट की रेसिपी, जिसको देखते ही मुंह में पानी आ जाएगा और आप जल्दी से बनाएंगे उसको, बहुत ही टेस्टी बनता है। आइए चलते शुरू करते हैं। आधा किलो सूखे सफ़ेद वाले मटर लिए थे मैंने, रात भर के लिए भिगो दिया था इसको। अब इसको कुकर में डालेंगे और उबाल लेंगे, दो सीटी लगा लेंगे। कुकर में ज़रूरत के अनुसार पानी डाल दूँगी, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। अब इसमें हल्दी भी डालेंगे। हम ढक्कन लगा के गैस पर चढ़ा देंगे, दो सीटी लगा लेंगे। ये देखिए मटर को मैंने अच्छे से उबाल लिया है, दो सीटी लगा के अच्छे से पक चुकी है। इस तरीके से पकाना है। कढ़ाई में सरसों का तेल गरम कर लेंगे, उसमें जीरा डालूंगी। जीरा अच्छे से चटक चुका है, इसमें पिसा हुआ लहसुन और अदरक डालेंगे। अब इसमें कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे। तड़का अच्छे से भुन चुका है, इसमें उबले हुए मटर डाल देंगे। इसमें गरम मसाला डालेंगे, इसमें लाल मिर्ची पाउडर भी डालेंगे, थोड़ा धनिया पाउडर भी डालेंगे। सारे मसालों को अच्छे से मिला लेंगे और थोड़ा काला नमक भी डाल देंगे इसमें। काला नमक डालने के बाद इसमें अमचूर पाउडर भी डालेंगे थोड़ा सा। मटर में अच्छे से उबाल आ चुका है, समोसा चाट बनाने के लिए तैयार है मटर। एक खाली प्लेट लिया है मैंने, इसमें दो समोसे को तोड़ लूँगी। समोसे की रेसिपी पिछली वीडियो में है, आप उसमें जाकर देख सकते हैं। दो समोसे को तोड़ लिया है मैंने, अब इसमें उबले हुए मटर डाल दूंगी। मटर को अच्छे से डाल लिया है मैंने, अब इसके ऊपर इमली की खट्टी मीठी चटनी डालूंगी। अब इसमें धनिया और पुदीने की हरी चटनी डालेंगे। अब इसके ऊपर थोड़ा सा दही डालेंगे। दही को अच्छे से फेंट लिया था मैंने, दो चम्मच के करीब दही डाल दूंगी। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ प्याज भी डालेंगे। एक कटी हुई हरी मिर्च डाल दिया और कुछ अनार के दाने भी डाल देंगे इस पर। थोड़ा चाट मसाला और हरी धनिया भी डालेंगे कटी हुई। चाट हमारी तैयार है, चाट मसाला भी डाल दिया है मैंने लास्ट में। थोड़ी सी बारीक भुजिया भी डाल दिया है मैंने इस पर। ये लीजिए समोसा चाट तैयार है, बहुत ही टेस्टी बना है। आप भी इस रेसिपी को इस तरीके से ट्राई करके देखिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं मेरी वीडियो कैसी लगती है। वीडियो को फुल वॉच करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। ये देखिए कितना टेस्टी लग रहा है देखने में।